नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे FSSAI फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानव प्राधिकरण यानी कि एक तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट रखा गया है, जिसमें भी ये सेफ्टी आप सभी को पता है, शॉप्स होती है कहीं जहाँ पर चेकिंग होती है फूड इंस्पेक्टर के द्वारा, यहाँ पर तो वो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्टर होते हैं, तो उनकी यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। साथ में असिस्टेंट और क्लर्क पदों पर भी यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, FSSAI का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इसके द्वारा हम यहाँ पे बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, कि कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, कब से कब तक यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, कितनी क्या फीस रखी गई है और कौन लोग किस स्टेट में यहाँ पे ये वैकेंसी है, कौन से स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, भी बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। इसके FSSAI यानी कि FSSAI या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे पूरा डिटेल में इसके नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। वेबसाइट यहाँ पे www.fssai.gov.in पे आप जाके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जो आप देखते हो यहाँ पे फूड की चेकिंग्स होती है कई शॉप्स पे, यहाँ पे दुकानों पे आप देखते हो। इसके अलावा कई जगह भी यहाँ पे फूड की सेफ्टी के बारे में पूरी, मतलब यहाँ पे एक ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर होते हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैकेंसी निकली हुई है। तो क्या कुछ काम होता है इनका, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क और हेल्पर। यहाँ पे पांच तरह की डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे वैकेंसी है। लगभग 10,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रीड करेंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे फूड सेफ्टी असिस्टेंट की है, उसके बाद में यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर और इंस्पेक्टर के लगभग यहाँ पे बराबर है, और क्लर्क और हेल्पर पियोन के भी यहाँ पे पद यहाँ पे प्रस्तावित किए गए। लगभग 10,000 यहाँ पे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे पूरी वैकेंसीज यहाँ पे रीड करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो देखिए, यहाँ पे कब से कब तक अप्लाई करना है, सबसे पहले वही यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर मैं बताऊँ यहाँ पे एप्लीकेशंस फीस रो यहाँ पे सबसे पहले उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ मैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर और इंस्पेक्टर दोनों पदों पे यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है, BA BCom या BSc जो भी आपने कर रखी है, वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए लगभग समान है। इसके अलावा फूड सेफ्टी असिस्टेंट में 12th पास आपका मांगा गया है, नॉलेज हिंदी इंग्लिश आपको होनी चाहिए। वहीं क्लर्क में भी यहाँ पे सेम मतलब क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा हेल्पर पियोन के लिए 10th क्लास आपके पास मांगा गया है। तो ये इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन यहाँ पे 14/7 से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे 16/8 तक आपके यहाँ पे ये फॉर्म चलेंगे। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस चार्जेस विल हैव टू बी बोर्न बाई द कैंडिडेट। यहाँ पे जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपको ही सहन करने, मतलब कि एक तरीके से आपके द्वारा ही दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन आपका एक ही एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। 5 साल 30 साल 15 साल की यहाँ पे छूट रहती है हर एग्जाम में, आपको पता है 18 से 40 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पेमेंट, यहाँ पे आपका ऑनलाइन 250 रुपये चार्जेस लगेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 250 रुपये चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा आपसे। इसके अलावा यहाँ पे जो भी डिटेल लिस्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सारे सब कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आप में रिक्वायर रहेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस के बारे में भी 250 रुपये यानी SC ST वालों को यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुका है, आप देख लीजिए पूरा शुरू से लेके एंड तक मैंने आपको बता दिया। जो भी डाउट नीचे है कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसके अलावा जो भी आपको मतलब पूछना है वो सारा सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैकेंसी का लिंक जब भी एक्टिवेट होता है इस चैनल के माध्यम से अभी आपको बता दिया जाएगा, पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे मैंने बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों यह ध्यान रखिए, जब भी वैकेंसी आती है फॉर्म एक्टिव होता है, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से भर के भी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को।